राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। बहुत सारे प्रलोभनों, गारंटियों और वादों के साथ सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। इन सब के बीच कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो बिना किसी विशेष शोर शराबे या धूम धड़ाके के एक लंबे अरसे से अपने विधानसभा के क्षेत्र में जनता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ये पैराशूट एंट्री लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि लंबे समय से जनता के बीच में ही रहते आए हैं। इनमें से ही एक प्रत्याशी हैं आमेर से आम आदमी पार्टी की ओर से पीएस तोमर, जो आमेर के जनमानस की समस्याओं को गहराई तक समझते हैं तथा किसी पद प्रतिष्ठा के लोभ से परे घर घर जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, शहीद सम्मान राशि और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आमेर की जनता के लिए एक बदलाव की बात करने वाले पूर्व जिला एवं सेशन न्यायाधीश पीएस तोमर निष्पक्ष रूप से खरी खरी बात करने के लिए जाने जाते हैं। तोमर अपनी लोकप्रियता के चलते अपने दूसरे प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए अच्छा खासा जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके चलते जहां भी उनका चुनावी दौरा हो रहा है वहां की जनता खुद आगे बढ़कर दिल से उनका स्वागत और सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सत्यमेव न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।